आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है जयदीपिका और आप देख रहे हैं साइलेंट विनर्स। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने वाली हूँ वह विषय है कि नासा द्वारा ब्लैक होल की आवाज़ का वीडियो जो है वो जारी किया गया है, और ऐसे कई लोग हैं जिनका ये कहना है कि भाई ये जो आवाज़ आ रही है ब्लैक होल से, यह ओम की आवाज़ जो है वो आ रही है। तो चलिए इसी पर जो है वो हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या सच में ये जो आवाज़ है ये ओम की ही है या फिर नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको ये आवाज़ जो है वो सुना देती हूँ। ये रही वो आवाज़। तो ये जो आवाज़ आपने सुनी है, जो कि सुनकर काफ़ी डरावनी सी लग रही होगी, यही वो आवाज़ है जो कि नासा द्वारा रिलीज़ की गई है, और ये बताया जा रहा है कि ये ब्लैक होल की आवाज़ है जो कि पर्शियस गैलेक्सी में बसा हुआ है। भाई अब तक ये माना जा रहा था कि अंतरिक्ष में वैक्यूम होने की वजह से किसी तरीके की आवाज़ का आना जो है वो मुश्किल है, लेकिन जब नासा के वैज्ञानिक यानी कि नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के वैज्ञानिकों ने ये रिकॉर्डिंग जब रिलीज़ की तो इस धारणा को भी जो है वो तोड़ दिया। वैज्ञानिक ये मान रहे हैं कि ये जो आवाज़ आ रही है वह गैसों के आपसी घर्षण की वजह से जो है वो निकल रही है, क्योंकि अंतरिक्ष में कई तरीके की गैसें जो है वो रहती हैं और जिनका आपसी घर्षण होता है और आवाज़ें जो है वो निकलती हैं। भाई अब बात ये आती है कि स्पेस में साउंड ट्रैवल आखिर कैसे हो रहा है। तो भाई देखिए, आप सोच रहे होंगे कि वैक्यूम के घर्षण में कोई कंपन जो है वो नहीं होता, फिर आवाज़ को वैज्ञानिकों ने रिकॉर्ड कैसे किया होगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जिस ब्लैक होल के आवाज़ की रिकॉर्डिंग की गई है वो पर्शियस गैलेक्सी क्लस्टर में स्थित है। इस गैलेक्सी की जो चौड़ाई है वह 1.1 करोड़ प्रकाश वर्ष है, और ये गैलेक्सी कई तरीके की गर्म गैसों से बने हुए किसी बादल या बड़े बादल कहना चाहिए उसके जैसा है। जो पर्शियस गैलेक्सी है उसी का ये जो ब्लैक होल है वह वैक्यूम से दूर है और चारों ओर से गर्म गैसों से घिरा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पैदा हुई आवाज़ है वो क्या हो रही है भाई, ट्रैवल जो है वो कर रही है। अब ये जो वैज्ञानिकों द्वारा आवाज़ रिलीज़ की गई है, इस आवाज़ को जो रिकॉर्ड किया गया होगा उसमें भी काफ़ी मुश्किलें आई होंगी। तो बिल्कुल भाई, काफ़ी मुश्किलों का सामना जो था वह नासा के वैज्ञानिकों को करना पड़ा। वैज्ञानिकों के द्वारा ये जो ब्लैक होल की आवाज़ है इसकी स्केलिंग की गई है। जो आवाज़ उन्होंने रिलीज़ की है उसकी फ्रीक्वेंसी रियल आवाज़ से करोड़ों गुना ज़्यादा है। आप सोचिए, अभी जो आवाज़ मैंने आपको सुनाई है इसकी जो रियल आवाज़ है वो और भी ज़्यादा जो है वो तेज़ है। ब्लैक होल से ये जो आवाज़ आ रही है, हालांकि अब तक ये रहस्य बना हुआ है कि ये ओम की है भी कि नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये ओम की आवाज़ है, कुछ लोगों को ये आवाज़ जो है वो काफ़ी डरावनी सी नज़र आ रही है, कुछ लोगों को ये आवाज़ कोई मिल गया के, जो आपने देखी होगी ऋतिक रोशन की एक मूवी थी जिसमें जादू आया था, उसमें वो टू 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 करके जो आवाज़ आती है ना ओम की, टू डू डो डो, उससे भी जो है वो कंपेयर कर रहे हैं। तो भाई आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये जो आवाज़ मैंने आपको सुनाई है आपको क्या लगता है, ये जो आवाज़ है ये ओम की है या फिर कुछ और। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।